YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे 5 बेहतरीन शेयर जिसमें आप गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गिरावट में शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर है। तो जो पहला शेयर है वो है मुथूट फाइनेंस। आपको मुथूट फाइनेंस जो है इस गिरावट में बाय करना चाहिए। देखिए मार्केट में आज भी गिरावट था लेकिन मुथूट फाइनेंस में देखिए तेजी देखने मिला। अब देखिए मुथूट फाइनेंस जो है अपने सपोर्ट के आसपास है, 1400 रुपए इसका सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप गिरावट में कोई भी यहाँ पर डिप दिखाता है, जैसे मार्केट में गिरावट होता है तो इसमें भी गिरावट होगा, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर जैसे हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय करते हैं तो जो फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स है उसे ही गिरावट में बाय करते हैं, और ये उतने फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स है जिसको आप गिरावट में बाय कीजिए, और जैसे मार्केट में तेजी आता है मार्केट में तेजी के साथ इसको आप सेल कर सकते हैं। बहुत ही बहुत फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स है, तो इसको जैसे ही अपने सपोर्ट के आसपास आता है 1400 रुपए के आसपास, उसके नीचे मिलता है तो और ज्यादा आपको बाय करना है, एसआईपी मोड में बाय करना है। जैसे 100 शेयर बाय करना है तो 1400 के प्राइस के आसपास आता है तो 10 शेयर बाय कर लेना है, 10 शेयर अभी बाय कर सकते हैं। तो जैसे जैसे गिरावट मिलेगा और बाय करते जाएंगे, ऊपर जाएगा तो ऊपर के प्राइस पे बाय करेंगे, लेकिन जैसे ये 1550 के ऊपर निकलता है तो आपको बाय नहीं करना है, फिर वेट करना है। ये अगर 1700 के ऊपर जाता है तो आपको वहां पर सेल करके प्रॉफिट बुक करना है, तो इस तरह का स्ट्रेटेजी रखना है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी गिरावट में बाय कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में लगातार ऐड करते रहिए, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न आपको ये स्टॉक्स देगा। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक्स है वो है HDFC। देखिए HDFC भी काफी सॉलिड शेयर्स है और ये भी अपने देखिए सपोर्ट के आसपास है, इसका 2500 जो है सपोर्ट रीजन है, अभी ये 2620 पे मिल रहा है। तो जैसे जैसे गिरावट में ये मिले वैसे वैसे शेयर को उठाते रहिए, टारगेट देखिए काफी ऊपर है, 3000 के ऊपर टारगेट है, तो अच्छा खासा यहाँ से आपको 20% से एबव का रिटर्न मिलेगा, तो काफी बेहतरीन ये शेयर है। इस शेयर को गिरावट में आपको बाय करना है, इसका जो सपोर्ट है वो 2500 रुपये का है, 2500 के नीचे मिल जाता है तो और बाय करना है, क्योंकि फंडामेंटली ये इतने सॉलिड शेयर्स हैं कि लॉन्ग टर्म में इसे ऊपर ही जाना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके अभी रखते जाइए गिरावट में, और शॉर्ट टर्म के लिए जैसे यहाँ पर गिरावट डीप मिलता है तो आपको छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करना है, और जैसे ये 2760 रुपये के ऊपर जाता है तो फिर आपको वेट करना है 3000 के ऊपर के प्राइस के लेवल के लिए, और वहां पर सेल करके प्रॉफिट बुक करना है। तो शॉर्ट टर्म में हम 3000 के ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे, 2500 के नीचे जाएगा तो हम इसको बाय करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो शेयर है वो है बर्जर पेंट। ये भी अपने सपोर्ट के आसपास है, तो जैसे गिरावट में मिलता है मतलब जितना गिरावट मिलेगा हम इसको बाय करेंगे, और इसका जो सपोर्ट रीजन है वो 715 रुपीज है, तो 715 के आसपास तक जितना मिलेगा छोटी छोटी क्वांटिटी में हम बाय करते रहेंगे, इसके नीचे जाएगा तो और बाय करेंगे, और जैसे ये 800 के ऊपर जाता है तो हम वेट करेंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो 850 के ऊपर का होगा, तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, 850 के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जैसे जैसे गिरावट मिलता है तो आपको बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए गिरावट में मतलब यहाँ पर जो भी गिरावट होता है उसमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन शेयर है बर्जर पेंट भी और एशियन पेंट, दोनों का दोनों पेंट स्टॉक्स। अब देखिए ब्रिटेनिया मैंने पहले भी शॉर्ट टर्म के लिए दिया था, देखिए जब ये अपने रेसिस्टेंस वाले ट्रेंड लाइन को यहाँ क्रॉस किया था कि आप यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय कर सकते हैं। देखिये 3560 रुपये से ये 3391 रुपये तक गया, तो अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट जो है 6% के आसपास का मिला, तो आप फिर से इसको डिप पे बाय कर सकते हैं। इसका जो सपोर्ट रीजन है वो है 3450 रुपया, 3450 के आसपास जब भी मिलता है तो आप इसको बाय कीजिए, और ये फंडामेंटली इतने सॉलिड सारे के सारे शेयर्स हैं, आप यहाँ पर सपोर्ट पर बाय करेंगे निश्चित रूप से यहाँ पर ये ऊपर जाएगा। तो जैसे ये 3800 रुपये के ऊपर जाता है तो फिर आपको धीरे धीरे प्रॉफिट का वेट करना है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और जैसे यहाँ पर 4150 के ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट लगातार बुक करते जाना है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इस गिरावट का फायदा लेना है, अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक्स को ऐड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन स्टॉक्स है और लॉन्ग टर्म निश्चित रूप से हमेशा ये पॉजिटिव रिटर्न देगा। अब देखिए उसके बाद जो अगला शेयर है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG सेक्टर की काफी बेहतरीन कंपनी, ब्रिटेनिया भी है हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये स्टॉक्स भी मैंने पहले भी बताया था कि शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं ब्रेकआउट पर, और देखिए यहाँ पर जिन्होंने भी 2300 रुपये पर बाय किया तो ये 2423 का हाई लगाया, लगभग अच्छा खासा यहाँ पर 100 पॉइंट से ज्यादा का रिटर्न प्राप्त हुआ शॉर्ट टर्म में,
और यहाँ पर फिर से आप यहाँ पर डिप पे बाय करते हैं, जो इसका सपोर्ट रीजन है वो 2200 रुपया है, 2200 के नीचे जाता है तो और ज्यादा आपको बाय करना है। ऐसे ही फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स है जिसको हम गिरावट में ही बाय करेंगे, जितना ज्यादा गिरावट होगा 2200 के नीचे उतना ज्यादा बाय करेंगे और निश्चित रूप से ये फिर से रिटर्न होगा क्योंकि फंडामेंटली सॉलिड शेयर है। और ये सारे स्टॉक्स जो है अपने सेक्टर के लीडर हैं या तो सेकेंड लीडर स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC हो गया, हिंदुस्तान लिवर, ब्रिटेनिया, और सबके सब काफी सॉलिड शेयर्स हैं। और जैसे ये स्टॉक्स 2420 रुपए के ऊपर जाता है तो फिर आपको अपने प्रॉफिट का मतलब बुकिंग के लिए वेट करना है। प्रॉफिट जो बुकिंग करना है आपको वो 2800 रुपए के ऊपर करना है। 2800 रुपए के ऊपर जैसे स्टॉक निकलता है तो आप अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करते जाइए शॉर्ट टर्म में। देखिए ये टारगेट जो है वो बहुत जल्द नहीं आएगा, इसमें 6 महीने भी लग सकता है, जो टारगेट है वो 1 महीने भी लग सकता है। तो लेकिन 2400 रुपये ऊपर जैसे निकलेगा तो वैसे वैसे आप अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करते चलेंगे और यहाँ पर गिरावट में इसको बाय करना है। तो ये 5 बेहतरीन स्टॉक्स थे जिसे गिरावट में आप अभी बाय कर सकते हैं, काफी अच्छे प्राइस लेवल पे मिल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपको ये स्टॉक्स इस प्राइस लेवल पे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर्स है। अगर यहाँ पर मार्केट में कोई करेक्शन होता है, जैसे कि पिछले 2 दिन से हुआ और भी करेक्शन होता है, तो और करेक्शन पे ये सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, तो इस करेक्शन का फायदा लेना है और करेक्शन पे इन सारे स्टॉक्स को आपको बाय करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।